शर्मा शो खटाक। आजकल पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है बाजी। सफाई अभियान का एक तो फायदा हुआ है, लोग कॉन्शियस बड़े हो गए हैं, सीधा सीधा कूड़ा नहीं फेंकते। पहले तो होता था ना कि खिड़की खोली गाड़ी की और सीधा पटक करके किसी के मुंह पे आगे चिप्स का लिफाफा और उसका स्कूटर टेढ़ा हो गया, वो चीजें होनी बंद हो गई। लोग थोड़ा चलाकी से फेंकते हैं, जैसे अपना ये दिनेश है ना, ये शाम को वॉक करने गया पाजी, कुल्फी इसने खा ली, वहां पे कुल्फी खा ली, अभी डंडी आ गई वो वाली, अब वो देखे इधर उधर सब लोग बैठे हैं, इतना शातिर है ना ये, एक्सरसाइज के बहाने ना ऐसे करके कुल्फी छोड़ दी इसने। पीछे आदमी एक चचा बेचारे सैर कर रहे थे धीरे धीरे, उनके जाके आंख में लगी, कहता बेटा हाथ घुमा रहा है तो डंडी लगी है, पेट मत घुमाना नहीं तो आइसक्रीम बाहर आई। अच्छा भाजी कुल्फी, मेरे को कुल्फी याद आ गई, कुल्फी खाते आपने लोगों को देखा होगा, स्पेशली जो मटके में नहीं आती ठंडी करके करके इसमें से धुआं निकल रहा था, जब आदमी शुरू करता वो बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है आदमी के लिए, पूरी कुल्फी मेरी है, कोई नहीं, पहले तो चाट के देखता है, पहले 30-40 सेकंड उसको पता पिघलेगी नहीं तो अपना टाइम लेता है, फिर उसके बाद उसका दिल करता है इसको काट के खाऊं एक पीस, वो जो आगे तीखा होता ना वो मिसाइल जैसी, वो पहली बाइट का जो जिम्मेदारी होती है ना उस दांत को देता है जिससे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है उसको, क्योंकि किसी के यहाँ पे सेंसिटिविटी है, गर्म सरद लगता है किसी के यहाँ, हर कोई अपने हिसाब से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से खाता है। जैसे जैसे कुल्फी पिघलनी शुरू होती है आदमी की स्पीड तेज हो जाती है, आप देखना वही आदमी जो सेंसिटिव लग रहा होता है ना उसके बाद नहीं देखता कौन से दांत को गर्म सर्द लग रहा है, फिर यहां से शुरू करेगा पूरे। वो खाने की स्पीड बढ़ती है इसलिए नहीं कि हाथ ना खराब हो जाए या फर्स्ट टप गिर रही है, उसके दिमाग में ये चल रहा पूरा दूध मुंह में गिरे, यहां से ऊपर तक जाएगा फिर कुल्फी टेढ़ी। अभी मैं निकल रहा था घर के बाहर तो एक आदमी सड़क पे नहा रहा था बाल्टी लेके, और बाल्टी भी लिखा था कचरा यहाँ फेंके, मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा जाके पता करते हैं कि यार ये इतना अच्छा मतलब सफाई अभियान में बढ़ चढ़ के योगदान दे रहा है, मैं पास गया पूछने बाल्टी कहाँ से ली, भाग गया वो, बाद में पता लगा कहीं पे डस्टबिन लगा हुआ था वो उखाड़ के ले आया। फॉरन में देखा होगा पाजी आपने कितनी सफाई रखते हैं, बिल्कुल उनके कुत्ते जो छोटे छोटे लेके जाते हैं ना सैर करने में, वो जाते जाते बीच में कुछ कर जाते हैं तो अलग से टिश्यू पेपर रखा साफ वगैरह करके रखते हैं, हमारे लोग एक तो कुत्ते पालने नहीं आते, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पालें क्या खिलाएं उनको, कुत्तों को भी अजीब अजीब बातें सिखाई, आप देखना कई कुत्ते जो पाले हैं ना लोगों ने उनकी रूटीन बन गई है कि जाके पड़ोसियों के स्कूटर का पिछला पहिया टांग उठा के गीला करना करना उन्होंने। अच्छा फॉरन में देखो कुत्तों के लिए अलग से बिस्किट आते हैं, अलग से पेट शॉप है, उनके अलग से क्लिनिक होते हैं और डॉक्टर उनका इंसान होता है, इतने एडवांस नहीं हुए अभी वो, पर देखो भाजी उनके लिए कितनी फैसिलिटीज होती है, हमारे यहाँ पे जो खुद खा पी लेते ना बाकी जो बच गया वो कुत्ते को देना शुरू कर देते हैं, उसका भी एक फूड होता है, हमारे कुत्ते भी बेचारे इतने हो गए ना फ्लेक्सिबल, मटर पनीर भी खाते देखे मैंने कई कुत्ते सीरियसली। अब फॉरन में चले जाओ भाजी इनके लिए अलग से होटल्स बन चुके हैं आजकल, कि अगर आपके पास पेट है और आप होटल जाना चाहते हैं तो उस होटल में आए, वहां पे अलग से कुत्तों के लिए गेट बनाया हुआ है, हमारे कुत्ते बेचारे इंडियन जुगाड़ू हो गए हैं, इनके लिए अलग से गेट तो होता नहीं, तो गेट के नीचे से यूं करके निकलते हैं, इतने फ्लेक्सिबल हो गए हैं। बसों में सबसे ज्यादा कचरा होता है सर्दियों में, आप देखो ना नॉर्थ में लोग बसों में चढ़ जाते हैं 10-10 रुपए की मूंगफली लेके, फिर काम तो होता नहीं, कोई कड़क 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 निशाना, मतलब थोड़े खेल भी खेलते हैं वो, यहीं से निशाना अंदर, कभी कभी ऐसा होता है दो दाने निकले एक मुंह में एक नाक में, उनका चलता रहता है। अच्छा कुछ और ज्यादा हाइजीनिक होते हैं, पहले तो मूंगफली काटते हैं उसमें से निकालते हैं 3-4 दाने, अलग अलग होता है ना, एक सिंगल होती है, एक डबल, एक ट्रिपल स्टोरी भी होती है, उसके बाद फिर वो जो लाल ड्रेस में होता है ना मूंगफली का दाना उसको रगड़ते हैं, फिर फूंक मारते हैं, फिर 4-5 छिलके इधर वाले के कान में जाते हैं 4-5, उसके बाद में खाते हैं मूंगफली के दाने को भी बड़ा गुस्सा आता है, कहता डबल कवर होने के बावजूद नंगा करके खा रहा है ना। कहता कल सुबह तेरा भी डबल जोर ना लगवाया तो कहना। आप बस का स्टॉप आपका आता है आप उतरो आपको आपकी सडनली आपके एटीट्यूड राजकुमार साहब जैसा हो जाएगा, आप चलो तो कुर्च कुर्च की आवाज आती नीचे मूंगफलियां मूंगफलियां लगी ना, बस सवारियों को छोड़ के लगा मूंगफलियों को छोड़ के आई है। तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग चलती ट्रेन में सामान फेंक देते भाजी, कुछ भी फेंक देते, खा पी के चाय का कप फेंक दिया, अब जो पीछे खिड़की में बैठा बेचारा लेट रहा है ना सोया हुआ जो मुंह खोल के, उसके मुंह में पत्ती पत्ती चबा जाता नींद में वो,
सपने में आदमी कुछ भी सोचता है. वो बेचारा एकदम से ब्रेक लगती तो पूछा दार्जिलिंग आ गया. दार्जिलिंग कहता दार्जिलिंग का पता नहीं, आंख बंद करके सो, अभी बच्चे का डायपर भी आएगा, चल. शुक्रिया. जनरल डब्बे में आप देख लो, जिस आदमी के पास सीट है ना, उसको अगर बाथरूम आ जाए, हाँ. उसकी किस्मत है, डिपेंड करता है उसके स्टैमिना पे कितनी देर रोक सकता है. हाँ. तो पहले पहले तो आदमी ऐसा बैठा होता है खुल के आराम से, फिर जैसे जैसे उसका प्रेशर बढ़ता रहता है तो फिर वो यूं भी होने लगता है. तो चेहरे पे आ जाता है, फिर आंखों से पता चलता है कि अब नहीं रुका जाएगा. फिर नहीं देखता वो कौन बैठा, फिर सर पे लात रख के निकलता है वो. अच्छा बड़े लोग तो रोक लेते हैं, बच्चों से रोका नहीं जाता. फिर माए ऐसे करती ना बच्चे की, ये बेटा कर ले शीश. बच्चा लगा हुआ जी. और जब बच्चा ये काम कर रहा होता है तो उसके पीछे वाली खिड़की वाला आदमी जंग लगी खिड़की को जितनी ताकत से बंद करता है ना, वो फिर वही जानता है. अच्छा मैंने हाल ही में एक न्यूज देखी, पूरी दुनिया के 10 खतरनाक बीच जो हैं, उनमें से एक इंडिया का बीच भी था और वो हमारे मुंबई का ही था. अच्छा 9 बीच जो बाकी खतरनाक दिखाएं वो सब इसलिए खतरनाक है क्योंकि कहाँ पे बड़े बड़े मगरमच्छ आते हैं, कहाँ पे वो शार्क आती हैं. हमारे यहाँ पे दिखा करते कचरा बहुत है. तो ये सब चीज़ें एक्चुअली जो हैं ये चिंताजनक है, ये विषय जो है, और हमारे लोगों को ध्यान देना चाहिए. फॉरन के लोग अपना अपने बीचेस खुद साफ रखते हैं, वहाँ पे बैठे हुए ना ऐसे बीवी भी साथ में, और टैन होने का बड़ा शौक होता है उनको, थोड़ा धूप में थोड़ा खाया पिया कोल्ड ड्रिंक जो भी खा पी के अपना थैली में डालते हैं. उसके बाद बीच से निकलते हुए डस्टबिन में डाल के जाते हैं. हमारे इधर थोड़ी करते हैं, हमारे इधर तो इतनी पी के बैठे तो समझ में नहीं आता समंदर कहाँ है, इस तरफ के इस तरफ तो घुमा घुमा के कैन पैक फेंक रहे हैं. तो आप देख लो समंदर का, स्पेशली इंडिया में रात को हाई टाइड क्यों होता है, समंदर में आप गंद फेंकते हो, शाम को समंदर को गुस्सा आता है फिर सारा बाहर फेंकता है, ये लो तुम ही लोगों ने फेंका. अच्छा कुछ तो इतने बदतमीज होते हैं, मैंने देखा है बहुत से लोग अब बीच पे घूमने गए हैं, बियर वियर पी ली है, आसपास बाथरूम कोई नहीं, फिर आइडियाज आते हैं, फिर ऐसे करके जाएंगे जैसे टहलने जा रहे हैं, ऐसे चलते चलते ना धार छोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं. दोनों हाथ भी जेब में, पता नहीं चलता क्या कर रहा है, फिर धीरे से करके आते हैं वापस. पानी बड़ा ठंडा है, पानी बड़ा, तू जो गर्म करके आया उसका क्या. आप देख लो कहीं बहुत साफ बीच होगा ना, आप किनारे पे रेत में आप खोद के देखो, थोड़ा सा खोदोगे नीचे पानी निकल आएगा. अपना कोई बीच खोद के देख लो आप, ज्यादा खोलने की 4 इंच खोदो नीचे से भुट्टा निकल आएगा, खा के वहीं गाड़ देते कि पता नहीं. अच्छा आजकल जब से ये 500,000 के नोट बंद हुए ना, कुछ लोग उसको अच्छा बता रहे हैं कि चलो अच्छा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो है वो सुधार आएगा, देश आगे बढ़ रहा है. कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा बिकॉज कुछ लोग को थोड़ी जहमत उठानी पड़ रही है, लाइनों में लगना, बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं. अच्छा कुछ लोग फालतू में पब्लिसिटी भी लेने लगते हैं, कुछ लोगों को वैसे ही होता है कि सलाह दें चाहे कुछ भी ना करते हो. हाँ. एक आदमी बैठा बैठा फेसबुक पे अपना वीडियो बना के लाइव डाला, मोदी जी को सलाह दे रहा है. हाँ. नहीं देश बढ़ना चाहिए आगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जेटली साहब 6 महीने पहले आपको बता देना चाहिए था. ऐसे आदमी की वीडियो पे एक ही कमेंट आता है, वो भी उसकी बीवी का, कि तेरे को छुट्टे कराने भेजा था यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाना, निकल यहाँ से. बीवी सुनती नहीं सरकार को सलाह दे रहे. अच्छा सफाई अभियान की बातें हो रही हैं, तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, बिकॉज मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने एक मुहिम शुरू की है, लेकिन जब तक आप सब लोगों का, हम सबका सहयोग नहीं होगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है. सो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या क्या सुझाव आप अपनी तरफ से हमारी गवर्नमेंट को दे सकते हैं. जी मैम. हेलो एवरीबॉडी. हेलो जी. मैं एक बात पे खास ध्यान दिलाना चाहूंगी जी. कि जहाँ पे लोग देखते हैं कि यहाँ हमको कोई नहीं देख रहा जी, वहाँ कुछ भी कर देते हैं जी. जी मसलन आप एक दो एग्जांपल बता देती हूँ. जैसे मेरे घर के एकदम बाजू में ही पार्क है. अच्छा. वहाँ कम से कम 20-25 डस्टबिन लगे हैं. Okay. फिर भी लोग पानी की बोतल, रैपर्स, चॉकलेट के कुछ भी जी. कहीं भी डालेंगे. हम जैसे लिफ्ट में देखते हैं जी. तो कोई भी लोग आ रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा, पान खाया है, गुटका खाया उधर ही. हाँ ये बात सच है आपकी, वो बड़ी कहीं गलत हाँ, चीज़ है. अगर सब ये सोच लें कि कोई नहीं देख रहा है तो भी हम ये नहीं करें Actually. तो अपने आप सफाई
चलने बढ़ती जाएगी आगे आगे। मैडम फॉरेन कंट्री में, जब फॉरेन कंट्री में हम लोग जाते हैं उन लोगों को देखते हैं, वहां नहीं करते। हाँ, ये गलत है ना, क्योंकि वहां पेनल्टी है। तो फिर ये अगर इंडिया में भी थोड़ी सी पेनल्टी लग जाए तो शुरू बंदा ना किसी को जवाबदेही होने से पहले अपनी आत्मा को जवाब दे। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सब कुछ फिर सब लोग। एक बात कहना चाहूंगी सिद्धू जी, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू। जब आप चौके छक्के मारते थे तो मैं बोलती थी मैं सरदार नहीं हूँ, मेरा पुत्र खेल रहा है। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो आप क्रिकेट की फैन है? बहुत बड़ी। आपने एक मैच देखा था? 90 वाला भी देखा है। अच्छा पाजी, 90 वाला मैच तब पता नहीं कितना फेमस था, आजकल बड़ा फेमस है। वो कपिल ने किया है। नहीं नहीं, उन्होंने किया तो हुआ ना। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में, शुक्रिया। और कोई मेरे दोस्त? हाँ चिंटू ले लो माइक, ले लो। क्या नाम है आपका? चंपक। राज। राज, राज। हेलो। दिल वाले दुनिया ले जाएंगे वाला राज। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। ओए किसने बोला है चंपक, किसने बोला? हाँ मैं बोला। आजकल लोग है ना ज्यादातर घर में रहने से ज्यादा फेसबुक सोशल नेटवर्क पर ज्यादा रहते हैं। तो हम लोग 45 फ्रेंड्स और एक मैं, हम लोग ने फेसबुक पर पेज बनाया। तो फर्क क्या है, आप ही तो फेसबुक पर रहते हैं। सर हम लोग पब्लिक प्लेस और भी कोई भी प्लेस जहाँ ज्यादा गंदगी रहती है वहाँ पर ही पब्लिक ज्यादा करती है। तो फिर हम लोग सर वीडियो उतारते हैं, फिर बात करते हैं कि क्यों कर रहे हो ऐसे सब, अभी सफाई अभियान चल रहा है ये वो। फिर एक बार सर मैं गया तो एक यानी एकदम खड़ूस टाइप था, उसने तम्बाकू खाकर स्पिट किया। तो फिर मैंने उसको बोला सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, यानी कि अभी हम लोग सब साफ कर रहे हैं। उसका भी वीडियो उतारा आपने? हाँ। तो उसने आपकी कमीज तो नहीं उतारी? अच्छा सर उसने स्लैप कर दिया मेरे को। जो स्लैप कर दिया? हाँ सर। वेरी रूड। क्या फिर जो मेरे फ्रेंड थे जो छुप के वीडियो उतार रहे थे वो लोग आए, फिर दो चार आदमी और आए, उसने देखा, फिर सब हम लोग सब फ्रेंड ने बोला कि सर ये वीडियो भी है। तो फिर उन्होंने मुझे सॉरी भी बोला और सब पब्लिक ने मिलके उससे वो जो जिसने उसने थूका था ना वो साफ साफ भी कराया। वेरी गुड सर। मैं एक पर आपने बहुत अच्छा काम किया सर, एक बार स्लैप किया, मैं आपको सल्यूट करता हूँ सर। थैंक यू सर। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इंडिया में इतनी तो बोलनी है, तो वो भी बोल देता है तो पूछना क्या सर। पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में सिर्फ दो ही चीज़ अच्छी हो रही है पूरे वर्ल्ड में, आपका कॉमेडी शो और सफाई अभियान इंडिया में, ये दो ही चीज़ अच्छी हो रही है। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। आपने वीडियो बनाया गंद मचाते हुए आदमी का, उसने आपको आपके साथ झगड़ा किया, लेकिन आपने उनको समझाया, उनसे सॉरी फील करवाया। मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत सा मोबाइल गिफ्ट करता हूँ, लाइए। ये आपके लिए माइक तो ले लो, इनका आपका माइक कहाँ चिंटू? राज। हाँ सर एक बात बोलना चाहता हूँ सर, मैं अभी स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ सर, अभी अभी मैंने शुरू। आप एक्टर हैं? हाँ सर, यानी अभी अभी तो ये एक्टिंग तो नहीं कर रहे थे, फोन ले जाओ भाई। अरे, अरे नहीं। सर एक्टिंग नहीं कर रहा था मैं सर, सीरियस हूँ मैं। सर एक बात बोलना चाहता हूँ सर, मैं अभी अभी शुरू किया हूँ और मेरी बैठ के बात करते हैं। अच्छा एक बात तो बोलने दो, जो एक बात बोलनी है उन्होंने, एक बात क्या है? मैं सर अभी अभी है ना ये एक्टिंग लाइन में हूँ, यहाँ पर बैठना, बड़े बड़े स्टार यहाँ बैठते सर, मुझे यहाँ पर बैठा है। नहीं, नहीं, बड़े बड़े स्टार यहाँ बैठते, मैं इधर बैठता हूँ। सर एक बात बोलना चाहता हूँ, बड़े बड़े स्टार इनसे मिलते। कितनी बातें, जब आप बोल ही रहे हो लगातार तो बोल दो ना, ये भी क्यों पूछते हो, एक बात बोल के आप 40 बातें करते हो फिर आ जाओ। पर बहुत बहुत राज, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे चल के आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये आपके लिए मोबाइल है। क्या है अभी, क्या है सर जो बात बोलना था वो बात तो अभी मेरे को पता क्या लग रहा है, उस आदमी ने थप्पड़ किसी और वजह से मारा होगा। अरे सॉरी मजाक कर रहा हूँ। हाँ हाँ तो एक बात बताओ। नहीं सर जो बात था वो तो आपने बोलने ही नहीं दिया। मैंने नहीं बोलने दिया।
बात तो बता दो मेरे भाई। अरे बैठ जा फिर आज, बात तो बता दो। सर मेरी मम्मी को और मेरी मम्मी दिल से चाहती है कि मैं ये एक्टिंग में लाइन में आऊँ। अच्छा, मेरी मम्मी को भी बड़ा शौक था मुझे टीवी पे देखने का। आपकी मम्मी बैठी है। हाँ। खड़ी कर दूँ? हाँ जी। जैसा आपने बोला कि आपकी मम्मी भी आज चाहती थी, वैसे मेरी मम्मी भी चाहती है कि, यानी आज मैं निकल रहा था तो फिर मम्मी ने बोला देख अगर तेरे को है ना सवाल वाल पूछेंगे, यानी मैं बहुत शाई टाइप का हूँ, तो मेरी मम्मी ने शाही हो। सवा घंटे से स्टेज पे बैठा हुआ शाही है। यानी सर अभी बोलने का मौका मिलता है तो थोड़ी ना कोई मौका कहाँ, मैं कहाँ मौका दूँ, अलग से सेट लगवा दूँ आपको मैं, मौका दे दे बोल तो रहे हैं आप तो। वही सर मैं बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू मम्मी, आई लव यू। सो स्वीट, अच्छी बात है आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, और अगर आपकी लगन सच्ची है आप जरूर कामयाब होंगे जो भी आप करना चाहते हैं। सो ये आपके लिए खूबसूरत सा मोबाइल, कोई एक बात तो नहीं कहनी कोई? अच्छा और कोई नहीं? थैंक यू सर, रोज आपको टीवी पे देखता था आज शाम। ले यार मोबाइल, चलो उधर। थैंक यू, शुक्रिया। ओके एक बात मैं बोलना भूल गया, तू बोलता बहुत है यार, शुक्रिया। नानी ये क्या कर रही है तू? मैं यहाँ पे सफाई अभियान की बात कर रहा हूँ, तू बाहर कूड़ा फेंक रही है। अच्छा तो घर की सफाई करके कूड़ा भा नहीं तो क्या घर में फेंकू? घर में कितनी गंदगी है तुझे पता है? और कप्पू सुन तो सही, तुझे पता है हमारे घर में एक टॉयलेट है? हाँ, पिछले 10 साल से खामखा हम बेडरूम में जा रहे थे, बोलो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।